बहुत मजा आया, बहुत कम मौका मिलता है। आई वुड लाइक टू थैंक हेलो फॉर दिस, बिकॉज वो मौका देने के लिए कि हम इंटरेक्ट कर पाए, हम फैंस से मिल पाए, और जिनको मैं एक्सटेंडेड फैमिली बोलता हूँ, तो वो हमें मौका नहीं मिलता यार। सो इट्स एक्चुअली अ प्लेजर फॉर मी कि मुझे इनसे मिलने का मौका मिला आज। सो थैंक यू, हेलो, थैंक यू। मतलब वियर्ड तो मैं नहीं बोलूंगा, बट छाप ये सारे छोड़ जाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से जब मिलने आते तो यू नो अपनी एक खासियत होती है हर फैन की, मैं बोलूँ तो वो जब भी आते हैं हमें हमेशा बहुत इमोशनल या खुश कर जाते हैं। सो सभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और सारे के सारे बहुत लाइक अगर आप ध्यान से देखें तो मैं सब फैंस को जितनी भी बार मिलता हूँ तो मुझे ज़्यादातर ध्यान रहता है, अच्छा मैं तब मिला था। सो यू नो दैट्स ये इनकी खासियत है, मैं ये बोलना चाहूँगा इन सब। हाँ जी, कमेंट एज इन मींस रिगार्डिंग व्हाट? नथिंग, दे ऑल आर वेरी पॉजिटिव यार, सब पॉजिटिव ही बात करते हैं, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू से। सो यस, फैंस इन माय अकाउंट ऑन व्हिच, हेलो हेलो, आई थिंक 315K, वी हैव जस्ट रीच 315K, सो यस इफ आई एम नॉट, हिंदी लैंग्वेज एंड दी अदर 14 इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें वो पूरा इंटरफेरेंस, पूरा जो पूरा उनका इंटरफेयर है वो पूरा का पूरा लेकर आए हैं अभी। द मोस्ट स्पेशल मैसेज या सब मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे लिए तो बहुत ही सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बहुत प्लेजर यू नो वी फील वेरी लकी अबाउट दिस, सो ऑल ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो यस, ओ यस, वो हमने एक गाना किया है जो अरिजीत सर ने गाया है, रांझना नाम है उसका, और 90s का फील है वो गाना। इट्स नॉट द सेम लाइक आपने आज तक प्रियांक को जिसमें देखा है, मुझे देखा है लोगों ने, उससे बहुत हटके है वो, इंटायर लुक बहुत हटके है और वो इंटायर फील गाने का बहुत हटके है, बहुत इमोशनल गाना है। एक शॉर्ट मूवी बनाने की कोशिश करी हमने उस 5 मिनट पे, सो आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो यस, थैंक यू। यार आई थिंक सब ने वो क्लियर कर दिया है, आई थिंक जब वो कमेंट भी आया था तो इट वॉज नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ अस, द एंटायर टीवी इंडस्ट्री एंड द एंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री ऑल्सो एट द सेम टाइम, दे केम अहेड एंड दे सपोर्टेड है ना, सो दैट वॉज ब्यूटिफुल, बिकॉज ये एक रेवोल्यूशन हो गया कि ऐसा कभी हुआ नहीं इतना। सो बट देन ही अपोलोजाइज ऑल्सो, तो वो बात वहीं की वहीं खत्म हो गई, बिकॉज ही हैज अपोलोजाइज एंड आई सॉ हिम पुटिंग द स्टोरी, सो इट्स एन एंड, सिंपल इज दैट। ठीक है, गलतियाँ करते हैं, हिना इज बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अभी, बट वो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो जब आए, और मैं एक्चुअली मैं खुद फर्स्ट को भी निकल रहा हूँ, सो वंस वी आर बैक हम आराम से बैठेंगे रॉकी में और हिना और हम सब, एंड देन डेफिनेटली वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। पूरी लाइफ यार आप देखिए, इससे पहले तो मेरे पास ये सब नहीं था, कोई कोई इंटरव्यू लेने नहीं आता था, और आज देखिए। सो हाँ जी यार, वो तो जिंदगी है, दैट्स व्हाट यू नो द लाइफ वी हैव चोजन, सो जितना आपको प्यार करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका काम नहीं पसंद करेंगे, सो दैट्स उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये बोलना चाहूँगा। सो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खुश हैं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खुश हूँ। रांझना एंड आई एम कमिंग अप विद अ वेब सून, सो आई एम लीविंग फॉर द शूट, आई विल बी अनाउंसिंग अबाउट दैट वेरी सून, सो फर्स्ट आई एम लीविंग फॉर दैट, सो यस आई एम शूटिंग अगेन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग विद मी, एंड जो आपने बनाया है मुझे, प्लीज़ इसको अगर ऐसी बरकरार रखिए, और जो भी ब्लेसिंग्स हैं मुझे ऐसे ही शावर करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच, रियली मींस अ लॉट, एंड टुडे व्हाट एवर आई एम इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, सो थैंक यू, एंड थैंक्स टू हेलो टीम फॉर गेटिंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू मीट दीज पीपल, इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।